kind of a situation here. What's up, my boy? What are you doing? बच्चों के आगे बच्चे यार। निकाल भाई, इसको फंस गया आदमी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। लड़के सुबह सुबह उठ गए और भाई तैयार क्यों नहीं हो रहे? तैयार हो गए, तैयार रेडी है। आर यू पैकिंग योर बैग्स? पैक माय बैग हियर। ओह मिस्टर सागर, आर यू एक्साइटेड? गुड मॉर्निंग। या वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। भाई जल्दी करोगे? थोड़ा सा चाय पी के फिर निकल जाएंगे, दैट्स द प्लान। तो इतना सामान रखे अपना, ये जमीला भाई रख ले अपना जो भी है। होम जा भाई, ये अरे मोम जावा नहीं है भाई, वो दैट्स स्की बैंड्स, दे कॉल स्की बैंड्स। या नहीं नहीं भाई, वो तो मोम जावा। ओके देन लेट्स गेट रेडी एंड सी अदर पीपल। अब हम जा रहे हैं पैट्स पीक माउंटेन्स व्हिच इज इन न्यू हैम्पशायर। यहां से यह 1.5 घंटा दूर, ट्रैफिक मिला तो 2 घंटे लग सकते हैं। जो बाकी पार्टी थी वो निकल चुके हैं लोग सब, शायद हमें बीच में रास्ते में मिलेंगे। थिंग्स यू हैव टू डू फॉर स्कीइंग इन न्यू हैम्पशायर। भाई सब लोग भाग रहे हैं ना जो आज, और कुछ सामान बॉस्टन में ना भागने का बहुत ज्यादा कल्चर है। हमेशा दर्द होता है क्या आपके? It's not about that, maybe workout or something we did. किसने कहा था जिम जाने के लिए परसों? स्कीइंग का आज मौसम नहीं है वैसे तो। आज स्कीइंग करना भाई, क्या 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 वेराइजन में घुस जाओगे? घुस जा भाई, खाने जा रहे हैं यहाँ पे, फोन ले लेते हैं। पनीरा ब्रेड जाना भाई, स्लोप पे खाएंगे भी हम 2-3 घंटे बाद कम से कम। चल थोड़ा खा लो, राउंड तो मारेंगे सबसे, कब खाएंगे ना, जाते खाएंगे वहां पे बैठ के। सो हैव अ लिटिल बिट। सो ये ले रहा हूं एक फुल। भाई ये क्या मंगा लिया? ये टोमेटो सूप इन ब्रेड बोल है। टोमेटो सूप इन ब्रेड बोल, फैंसी हो रहे हो भैया आप तो। भाई बहुत फैंसी क्या जा रहे हो? आई थिंक यू वुड लाइक इट। बट अभी यहाँ पे आए थे 6 महीने पहले फॉल कलर्स देखने, ये सेम हाईवे था और क्या सुंदर कलर थे। अभी भी सुंदर पेड़ों है, अलग तरीके का सुंदर है। नाउ देयर आर नो लीव्स, नो कलर्स, अपहिल नो डाउनहिल। वंस यू आर हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, इट्स फॉल कलर्स एंड देन इट गेट्स विंटर्स, यू गेट इवन मोर हैप्पी बिकॉज़ यू गेट टू डू स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। दैट्स द काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म वी नीड फॉर स्कीइंग टुडे। यस, आई होप यू डोंट स्की इन वाटर बिकॉज़ इट्स प्रीटी वार्म फॉर स्कीइंग। 10 डिग्री सेल्सियस होने वाला है आज टेम्परेचर 12 बजे के बाद में, जिसका मतलब कि काफी सारी बर्फ पिघल जाएगी और 2 दिन से ऐसा मौसम है तो काफी बर्फ पिघल चुकी है। कहाँ है बर्फ? कोई बर्फ नहीं, कोई बर्फ दिख रही सामने? नहीं। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट डू वी डू? बट आर्टिफिशियल बर्फ डालते हैं ना वो तो। हाँ, और दूसरी बात ये भी कि अगर लेयर्स होती है ना बर्फ की तो वो जमी रहती है काफी टाइम तक, स्नॉट की। जब वो थिन लेयर होती है तब पिघलती है। होपफुली वी शुड बी फाइन, क्योंकि ओवरनाइट वो ट्रैक्स को बनाते हैं, पूरी रात बनाते हैं, दिन में लोग स्की करते हैं। इट्स लाइक दैट। ओके, आई थिंक इट विल बी गुड, यू शुड बी ऑल राइट। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यहाँ पे आके बारिश हो गई है भाई, बहुत ज्यादा बर्फ पिघल जाएगी भैया, बहुत चोट लगने वाली है आज। राइट, देखते हैं, फोरकास्ट है 11 बजे बारिश होने का, 11 ऑलमोस्ट बज गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। बट टाइम लगेगा थोड़ा रेंटल्स लेने में और सब कुछ रजिस्ट्रेशन करने में, तो आई थिंक 1.5-2 घंटे में बारिश रुक जानी चाहिए जब हम लोग ऊपर जाएंगे। पिकी ब्लाइंडर्स प्रोफेशनल एथलीट्स है हमारे पास दो। अपना वेट पूरा आगे पुश करना है, पूरा आगे, और तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारा क्योंकि ये चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, लाइक दिस, लाइक पूरा वेट आगे पुश कर डॉलर का। और इसमें एक दिक्कत है लॉकर में, अगर तुमने बंद कर दिया और दोबारा खोलना है फिर तुम्हें दोबारा एक क्वार्टर डालना पड़ेगा, एक बार लॉक हो जाता है तो हो जाता है ये। अबे 4 क्वार्टर डालने पड़ेंगे, 1 क्वार्टर खा गया मेरा। बनी लेवल है, पहले यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे, 1-2 राउंड यहाँ लेंगे फिर ऊपर वाली लेवल पे जाएंगे। मेरे ख्याल से क्लास लेने की ज्यादा हमें जरूरत नहीं थी, बट जो हमारी बाकी पार्टी है अदलू भैया वो सब क्लास लेके आ रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। लेवल टू लेवल 1 हो गया अपना। हाँ, लेवल 2 5। Are we sure we don't need more practice? No, we don't need more practice. तो लेवल 2 पे जा रहे हैं, ऐसे लिफ्ट है, उसके बाद कितनी लेवल्स है? लेवल 3। बाद में एक्सप्लेन करते हैं कितनी लेवल्स है, क्या हिसाब है। और तुम गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल है,
तुम्हें ऐसे उठाने आएंगे लोग ऐसे। सबसे जो हल्का वाला स्लोप होता है उसके टॉप पर आ गए हैं हम, जो कि है ग्रीन का भी बच्चा, और ग्रीन का पार्क भी होता है, ये मुझे आज ही पता चला भाई, पार्क भी है ग्रीन का। भाई ये टर्बुलेंस पार्क है, देख रहे हो आप इसको कितना स्टीप है ये। पार्क नहीं है ये, इसका ऑरेंज भी होता है, ऑरेंज ही है, सॉरी। सीधा नीचे ले जाएगा ये, ऑरेंज है। एंड वेयर आर वी गोइंग आफ्टर दिस? वी आर गोइंग टू टेक अनदर लिफ्ट आफ्टर दिस, व्हिच विल टेक अस टू टॉप ऑफ दिस माउंटेन। तो ये माउंटेन अभी और ऊंची है, ठीक है, उसके टॉप ले जाएगी, फिर वो भी ग्रीन ही है, और उस स्लोप को बोलते हैं बैक ड्राफ्ट। तो हम इसका बैक ड्राफ्ट करेंगे, पूरा पिज्जा बना रोक, पूरे पिज्जा बना, तो उससे प्रैक्टिस भी होगी। पिज्जा मतलब ऐसे कर ले, हाँ, ऐसे पिज्जा ही है अभी तेरे पास। फिर वो जो कर रहा है, फिर वो कर पूरी स्कीज को ऐसे ऐसे करना, वो नेक्स्ट लेवल है। Got it, got it, got it. Let's do it. This is your second run of for today's slope. So I would be recording you. You got a cameraman MRD with you. Please go ahead. Oh, you want me to go ahead? I think you should go ahead. All right, I'll see you. Bana. What happened here? A bad turn. I'm up. You all right? You all right? You all right? That's good. ये है एम्बुलेंस, चलती फिरती एम्बुलेंस। अगर कोई लड़के इंजर्ड हो जाते हैं बाई चांस तो उनको इस पे लेके आते हैं। right. अभी हमने देखा एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको इसमें लेके आए हैं ये लोग। दिस इज गुड, बिकॉज सम इंजरीज कैन बी सीरियस, यू नेवर नो। गुड फैसिलिटीज हियर, सम इंजरीज कैन नेवर बी हील्ड। अब जा रहे हैं हम काफी और ऊंचाई पे भैया। ये वाला वैसे लेवल कौन सी है? Would you like to tell? यार ये वाला हम जिससे नीचे आएंगे ये टॉप है माउंटेन का। अच्छा। यहाँ से तुम कई तरीकों से नीचे आ सकते हो। अच्छा। हम आएंगे ग्रीन से, लेकिन नीचे तो यहाँ पे ब्लू भी है, ब्लैक भी है, डबल ब्लैक भी है, और पार्क भी है, सब है वहाँ। ये लिफ्ट सब जगह ले जाती है। अच्छा, हम ग्रीन से आएंगे, बट ग्रीन में भी दो है। कितने मिनट की राइड होगी? वो नीचे आने में लगते हैं करीब 7 मिनट, 7 to 10 मिनट। पीछे का व्यू दिखाते हुए ये देखो भाई, इनको क्या हो गया? वाओ 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 वाओ, ये तो काम करते हैं, ये तो काम करते हैं, इनकी इनकी ट्रेनिंग हो रही है भाई, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये देखो लड़के को भाई, कहाँ से आ रहा है, स्किंग करता हुआ, कूद फान करता हुआ, और ये अनग्रूम्ड सरफेस पे कर रहा है भाई। ये कितने 10-12 साल का होगा। ओ देखो भाई इसको, भाई साहब ये होते हैं प्रो। बीच में थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि 2 घंटे हो गए स्की करते हुए कंटिन्यूअसली, तो खाना खाने आए हैं लड़के, और आधा घंटा हो गया खाना ऑर्डर किए, खाना नहीं आ रहा बहुत देर से, 3 बज रहे हैं, 3 अंधेरा हो जाएगा 5 बजे, थिंग्स विल गेट वर्स फ्रॉम हियर। सेकंड राउंड ऑफ स्कीइंग के लिए लड़के तैयार हो गए, खाना वाना खा के। वी हैव अ न्यू पार्टनर विद अस, मिस्टर अदलू, ही इज रेडी, ही इज अ फर्स्ट टाइमर, बट ही इज गोइंग विद अस एट द टॉप फॉर ग्रीन लेन। आर यू एक्साइटेड ब्रो? यस। Yeah, we'll bring him in down in one piece. जो डर मेरे को लगा था ना पहली बार नीचे जाने में, आज अदलू भाई को पहले टाइम पहले बताया, तो अदलू भाई को भी अभी वही डर लग रहा है। Yes. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। Thank you, thank you, yeah. Where is अदलू भाई? Oh, अदलू भाई आगे आगे। अदलू भाई is a pro level. This is what happens sometimes. Let's get to them. ये बेचारा बच्चा रो रहा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। इसकी मम्मी हेल्प कर रही है इसकी। ग्रीन लेन से नीचे आ रहे थे, बट मैं 2 बार गिर चुका हूँ। और मेरे गिरने का रीज़न ये नहीं है कि ये मुश्किल है, मुश्किल तो है ये, बट मैं गिरता हूँ डर के। काफ़ी राउंड हो चुके हैं, 1% इज डाउन, विच इज मिस्टर सागरफुल। तो सागरफुल भाई वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रो है, बट वो गिर गए 2-3 बार, तो ही इज़ डाउन, एंड नाउ देर आर 4 पीपल सर्वाइविंग। इट्स गोइंग गुड। हमें ऐसा लग रहा था कि बारिश हो गई है तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा यहाँ पे माहौल, बट काफ़ी अच्छा माहौल है, भीड़ भी मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि हमारी बारी नहीं आ रही है या कुछ दिक्कत हो रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम न्यू इंग्लैंड में रहते हो और तुमने स्कीइंग नहीं सीखी तो जिंदगी बर्बाद है। राइट, क्या कौन सी स्टेट आती है न्यू इंग्लैंड में? 4 आती है। कौन सी कौन सी? वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मेन एंड मैसाचुसेट्स, एंड आल्सो रोड आइलैंड। रोड आइलैंड 5, दैट्स 5। जो भी यहाँ लड़के रहते हैं, जो भी ये व्लॉग देखेंगे, शायद देखेंगे, वो जरूर चेकआउट करें और स्की करना सीखें अपनी जिंदगी में। एक मोटिव है हमारी जिंदगी में, स्की सीखना। प्रो लड़के भी गिर जाते हैं एक बार। ये पैर मैंने बोर्ड के ऊपर रख दिया, कोई बहाना नहीं है भैया इसके। ये वाला जो है ना भाई, इसके नीचे एकदम से दिख नहीं रहा कुछ,
हम उस वाले में जाएंगे। ये है डस्टर लाइन, यू कैन सी डस्टर। डस्टर का थोड़ा ओवरव्यू ऐसा है अगर यहाँ से दिखे तो इसको क्रॉस करते हैं। देन कॉल लाइन, दैट्स द स्ट्रेटजी। ईस्ट इंड तो करी थी तूने पिछली बार, सबसे उधर वाली ब्लू मतलब डेंजरस है, गिरूंगा मेरे को पता है। तो फिर उधर चले जा, या तो ग्रीन में, ग्रीन में चलते हैं। मेरे को ना एक बिना गिरे करनी है। ग्रीन में जा, नीचे मिलना, फिर कहाँ मिलेगा? लॉज के पास ही मिलते हैं। फिर साथ जा रहा है लॉज के पास नहीं भाई, हम करते हैं डस्टर। स्क्वेल के वहाँ मिलना, स्क्वेल वाला डस्टर के पहली ढलान के उधर ही रुकते हैं, हम वेट कर लेंगे इनका। हाँ, कॉल लाइन पे तो आएंगे ही है। ठीक है भाई, रात वाली शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। हमारी 8 से 4 शिफ्ट थी, अभी 5:30 बज चुके हैं। बट रात के लड़कों की कितने बजे तक शिफ्ट होती है? 4 से 10। एक होती है 4 से 8, 4 से 8, और फिर एक होती है नाइट वाली 12 बजे तक। क्या बात कर रहे हो। बट कुछ लेन्स बंद हो जाती है उस टाइम तक, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। जस्ट टू गिव यू गाइस सम पर्सपेक्टिव, ये है ब्लू लेन और मैं इंडिया नीचे पहुंच चुके हैं। आई वांट टू ट्राई आउट, काफी स्टीप है। थोड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी का और ग्रीन से ब्लू लेन पे आ गए हैं भाई। न्यू हैम्पशायर इज ऑल अबाउट लिव फ्री और डाई। ये मेरा आज का प्रॉपर फॉल था, आज का पहला। तो ये अपनी ब्लू वाली, जिससे की बहुत ज्यादा डर लग रहा था, गेम समझ आ गई है। तुम्हें नीचे जाते हो ना, वेट अपना आगे रखना और तुम्हें ये नहीं डरना कि तुम किसी पे ठुक जाओगे, वरना तुम पक्का ठुक जाओगे, वरना तुम पक्का गिरोगे। सो डर के आगे जीत है, यही समझ आया। अगर अब दोबारा ब्लू करेंगे, अब ग्रीन छोड़ दिया पीछे, बिकॉज एक बार जो कर दिया फिर दोबारा तो वही करना है, उससे नीचे तो क्या ही जाएगा आदमी। ये बर्फ तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे तो पूरे पहाड़ वैसे ही बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट। इसको स्ट्रक्चर ही वैसा दिया गया, नीचे मिट्टी से और उसके ऊपर बर्फ डाली गई है कि ऊंचे नीचे प्लेटू दिए हुए हैं जो उसमें। अच्छा, ब्लू वाले में क्या है कि इकट्ठी हो गई है बर्फ, क्योंकि स्टिकी है आज बर्फ बहुत ज्यादा। जो स्टिकी होती है तो वो एक साथ इकट्ठी हो रही है, गोले बन रहे हैं उसके, समझ रहे? इट्स नॉट पाउडरी। और उस पे स्नोबोर्ड टकरा रहा है, अंदर से निकल नहीं, तुम उसके ऊपर से जाओगे, स्नोबोर्ड टकरा रहा है उस पे। बोर्ड टकराएगा तो ऊपर होगा उसमें, बोर्ड या स्कीज कुछ भी होंगी, तो समझ रहे? तो ये देखना, ये बालक, ये तो 2-4 साल का भाई, पैदा हुआ भाई अभी ये। हाँ, 3 साल की जिंदगी देखी है इसने। मम्मी से ब्लैक पे लेंगे भाई, लेट गया लड़का। भाई ये मैप है, ये सारे लेवल्स हैं। ग्रीन हम काफी कर चुके हैं और इंटरमीडिएट में हमने ब्लिजर्ड कर लिया है, डस्टर कर लिया और ईस्ट विंड कर लिया। थैंक यू ब्रो, वेट फॉर मी। हर तरह के लोग हैं, ये निक्कर पहन के भी करेंगे कुछ लोग। इसके गोडे भैया, गोडों में कुछ नहीं पहन रखा इसने भाई, लिटरली निक्कर पहनी हुई उसने। सनसेट हो चुका है और काफी अंधेरा हो गया, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पजेज यहाँ पे 3 तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। तो तुम अपनी खुद की स्की और बूट्स लेके आ सकते हो, या फिर तुम स्की और बूट्स रेंटल कर सकते हो, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि तुम लिफ्ट टिकट्स या तो ले सकते हो या फिर पूरे सीजन का पास ले सकते हो। पूरे सीजन का पास तुम्हें करीब करीब $500 के करीब पड़ता है, और जो लिफ्ट टिकट्स है एक दिन की वो बढ़ती है तुम्हें $90 के अराउंड। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो पूरे सीजन का पास ले लेते हैं। और जो पूरे सीजन का पास है वो सिर्फ एक माउंटेन का नहीं होता, देर आर अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स जहाँ पे वो पास चलेगा। काफी थकान भरा और लंबा सेशन हो गया स्की करने का, कपड़े उतारते हैं अब। बहुत ज्यादा मेहनत करके आ गए अपने घर और लड़कों को लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो बीच में से हमने बावर्ची बिरयानी, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखी होगी, पिछले व्लॉग में नहीं पुराने व्लॉग्स में देखी होगी, बावर्ची बिरयानी लेके आ गए लड़के बकेट उठा के। बेस्ट बिरयानी इन बॉस्टन, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू एंड दिस व्लॉग। ओवर एंड आउट, सो वी आर गोइंग फॉर ब्रंच टुमारो विद मिस्टर संदीप दबास फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। तो कल हम न्यूयॉर्क जाएंगे, और न्यूयॉर्क में जाएंगे तो कल हम जाएंगे बेसिकली ब्रंच करने विद द न्यूयॉर्क गैंग, एंड ऑब्वियसली मिस्टर फुल एज वेल विल बी विद अस एंड मे बी वन और टू मोर फ्रेंड्स। मौसम क्या है कि बारिश आने वाली है कल बहुत ज्यादा, और आज के और कल के टेम्परेचर में 16 डिग्री का डिफरेंस है। तो गूगल का जो नोटिफिकेशन आता है, इट सेज इट 16 डिग्रीज कोल्डर टुमारो ऑल ऑफ अ सडन। दैट्स बॉस्टन फॉर यू, दैट्स बॉस्टन फॉर यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू अगेन, टिल देन ओवर एंड